नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग अपने वोटर आईडी कार्ड को तीन तरीके से आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो डिटेल से इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो, जी बिजनेस में एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया है जिसके अंतर्गत अपने वोटर आईडी कार्ड को तीन तरीकों से आधार कार्ड से कर सकते हैं लिंक, जाने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिंक करने के लिए। आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड लिंक, लोकसभा में वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने वाला बिल पास कर दिया गया है। आप अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए तीन तरीके अपना सकते हैं। तो दोस्तों, जो वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने वाला बिल जो है वो लोकसभा में पास कर दिया गया है, और तीन तरीके ऐसे हैं जिससे आप लोग वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो, उसी के बारे में हम जानेंगे। इसमें आगे पढ़ते हैं। आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। इसे कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, ट्रेवल टिकट, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, वैक्सीनेशन से लेकर कई बड़े काम शामिल है। लेकिन अब इसे आप वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर सकते हैं। लोकसभा में वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने वाला बिल पास कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चुनाव सुधार संबंधी विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया था। दोस्तों, आप लोग यहां पढ़ सकते हो, जो पहला तरीका है वो एसएमएस के माध्यम से आप लोग वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर सकते हो आधार कार्ड से। सबसे पहले अपने फ़ोन नंबर पर एसएमएस ऐप ओपन करना है आप लोगों को। उसके बाद इस फॉर्मेट में मैसेज टाइप करें। पहले आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड डालेंगे, उसके बाद आधार नंबर टाइप करना है, और 166 या 51969 नंबर पर एसएमएस भेजें और आधार वोटर आईडी को लिंक करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग यहाँ दूसरा तरीका देख सकते हो, पढ़ सकते हो। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के जरिए आप लोग किस प्रकार से वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। और तीसरा तरीका है बूथ लेवल के ऑफिसर्स से कांटेक्ट करके, संपर्क करके आप लोग लिंक करवा सकते हो। अपने नज़दीकी बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करके और लिंकिंग के लिए एप्लीकेशन प्राप्त करें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और बूथ लेवल के ऑफिसर को जमा करें। डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा और फिर बूथ ऑफिसर एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए आपके लोकेशन पर जाएगा। एक बार वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हो तो तीन तरीके दिया गया है। आप लोग इन तरीकों के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए कि किस प्रकार से आप लोग वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।